अच्छा डेफिडू का पहला टॉपिक क्रेडिट्स और इनकवरेबल डेट्स। स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस क्या होते हैं याद है भूल गए? क्रेडिट बस हो गया। बैलेंस या इनकवरेबल डेट्स क्या होते हैं कि वो अमाउंट जो कस्टमर से रिकवर ना हो सके, वो अमाउंट जो कस्टमर से रिकवर ना हो सके उसे कहते हैं आप बैड डेट्स या इररिकवरेबल डेट्स। अच्छा पैसे ना मिलने की क्या रीजन हो सकती है? कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, डेथ हो गई, डिसअपीयर हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, राइट? ठीक है ओके। अच्छा तो इसकी नेचर क्या होगी? एक्सपेंस होते हैं। अच्छा लिख लें, ये डेफिनेशन कॉपी कर लें इसकी, आप दोबारा लिख लें, वो एफ वन में लिखा है, एफ टू में दोबारा लिखा। हाँ लिखें, इसको आप एफ टू के रजिस्टर में लिखें। अच्छा कॉपी कर लें, बैड डेट्स या इररिकवरेबल इसकी डबल एंट्री होगी इररिकवरेबल डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जिसके डबल एंट्री हो जाएगी इररिकवरेबल डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा इररिकवरेबल डेट्स को हम डेबिट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे एक्सपेंस है ना। अच्छा अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? रिसीवेबल आपके कम हो रहे हैं ना, तो ज्यादा कब हुए थे? जब सेल की होगी ना, जब हम सेल करते हैं तो एंट्री होती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होते हैं, तो बैडेट्स के टाइम पे रिसीवेबल क्रेडिट होंगे, और क्रेडिट मीन्स कस्टमर अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएगा। उसके इफेक्ट क्या आ जाएगा? एक्सपेंस इंक्रीज, रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएगी, तो क्रेडिट कर देंगे। अच्छा ये एंट्री कब बनेगी? जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि पैसे नहीं मिल रहा, जैसे कि कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, डेथ हो गई या डिसअपीयर हो गया, तो कंफर्म हो गया कि आपके पैसे नहीं मिल रहे, डूब गए, खत्म हो गए। अच्छा पर एक चीज और लिखते हैं, आप फर्ज कर लेंगे कस्टमर है आपका, यही कस्टमर था, गुड्स आपने सेल की, कस्टमर आपका बैंकरप्ट हो गया, ये बैंकरप्ट हो गया, हमने बैलेंस रिकॉर्ड कर लिए। अच्छा अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद उस कस्टमर के पास फिर से पैसे आ गए, बिजनेस सेट हो गया, और शरीफ आदमी था आपके पैसे देने आ गया, या आपने निकलवा लिए थे, ठीक है?
अच्छा, तो उसके लिए फिर हम टर्म यूज करते हैं राइट ऑफ, तो ये होता है। अब उसके लिए टर्म यूज होगी रिकवरी ऑफ रिकवरेबल डेट्स, रिकवरी ऑफ रिकवरेबल डेट्स, तो जो आपके बैलेंस हो गए थे वो रिकवर हो गया। अब इसकी क्या एंट्री बनेगी आपके पास, क्या एंट्री होनी चाहिए? अब देखिए रिकवरी हो रही है तो कैश रिसीव होगा ना, कैश आ रहा है हमारे पास, कैश इंक्रीज होगा, कैश हो जाएगा डेबिट, और वो जो हमने ये बैड डेट्स रिकॉर्ड किए थे अब एक्सपेंस क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो बैड डेट आपके एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं तो ये इररिकवरेबल डेट्स क्रेडिट, कैश रिसीव हुआ, कैश इंक्रीज होगा डेबिट, और एक्सपेंस डिक्रीज होंगे क्रेडिट, तो ये एंट्री हो जाएगी रिकवरी की, कैश डेबिट रिकवरेबल डेट्स क्रेडिट। कॉपी कर लें, काम कर लें, ये पूरा रहेगा शोर्ट चलता रहेगा। अच्छा, इसके बाद अब लिखते हैं एक चीज और, देखिए ये जो एंट्री हम बनाते हैं पहले वाली, ये फर्स्ट एंट्री कब बनेगी, जब कंफर्म हो जाएगा कि पैसे आपके ग्रुप है। अब एक चीज और है, अच्छा देखिए जब हम क्रेडिट पर गुड सेल करते हैं, जब भी क्रेडिट पे गुड सेल करते हैं तो उसमें डाउट तो रहता ही है ना कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि कभी भी किसी की डेथ हो सकती है, कभी भी कोई कस्टमर बैंकरप्ट हो सकता है, डिसअपीयर हो सकता है, डिफॉल्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा तो अगर हम फ्यूचर में कोई लॉस या एक्सपेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको फॉरन रिकॉर्ड कर लेना चाहिए या उसका वेट करें, फॉरन रिकॉर्ड कर लेते हैं, और कोई इनकम या गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो जब तक रियलाइज ना हो तब तक रिकॉर्ड नहीं करते। अच्छा ऐसा क्यों, वजह? हाँ, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि अगर आप फ्यूचर में कोई लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एक्सपेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसे फॉरन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और गेन या इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वेट करें जब तक कि वो रियलाइज ना हो। पहले इसको, अच्छा पहले कॉपी बात भी कर लीजिएगा, पहले समझ लेते हैं तो कंप्लीट बाद में आराम से लिखते हैं। अच्छा अब इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर क्या है, अब रिसीवेबल्स है, बैड डेट्स में इसकी एप्लीकेशन क्या है, अब वो देखते हैं। अच्छा इसको बोलते हैं, सपोज कह लिए हमने क्रेडिट सेल्स की 5 लाख की पूरे साल की, ठीक है, टोटल सेल हमारी थी साल में 5 लाख, और इसमें से हमने कलेक्शन कर ली 4,50,000 की, कलेक्शन हो गई 4,50,000, 5 लाख की सेल है, 4,50,000 की कलेक्शन हो गई। अच्छा ईयर एंड पर रिसीवेबल्स बच गए 50,000, ये रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है। अच्छा ये 50,000 कब मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर में, क्या नेक्स्ट ईयर में 50,000 पूरे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, पता नहीं है, मतलब मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते हैं। हो सकता है किसी कस्टमर की डेथ हो जाए नेक्स्ट ईयर, हो सकता है नेक्स्ट ईयर कोई कस्टमर आपका बैंकरप्ट हो जाए, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कोई कस्टमर आपका डिसअपीयर डिसऑनेस्ट हो जाए, अब ये 50,000 आपको मिल भी सकते हैं, हो सकता है इसमें से 45,000 मिल जाए, 5,000 ना मिले, हो सकता है 40,000 मिले, 10,000 ना मिले, तो यहाँ पर एक डाउट आ गया है ना कि कुछ पैसे हो सकता है आपको ना मिले। तो प्रूडेंस क्या कहता है कि अगर आप फ्यूचर में कोई लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड कर लें। अब हम करते क्या है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए एक परसेंटेज सेट कर लेते हैं कि जो भी रिसीवेबल्स होते हैं हमारे उसमें से कितने परसेंट रिकवर नहीं होते, नहीं होते, ना होने की परसेंटेज सेट कर लेते हैं। तो हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए एक परसेंटेज सेट की 5%, कि जो भी हमारे रिसीवेबल्स होते हैं उनमें से 5% रिकवर नहीं होते, 95% रिकवर हो जाए। अब हम क्या करेंगे, 50,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा 2,500,
और फिर 2500 से हम ईयर एंड पर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा पहले अटेंडेंस देते हैं, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। एस्टिमेट हमने किया और ये अमाउंट आ गया हमारे पास 2500। अभी 2500 क्या है, डाउटफुल है, अभी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और अब उसकी एंट्री क्या होगी? अच्छा अब यहाँ एंट्री बनेगी इररिकवरेबल डेट्स डेबिट। अच्छा क्या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे? नहीं, यहाँ पे हम अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करते, बिकॉज़ देखिए इस क्यों नहीं करेंगे, रिसीवेबल को क्रेडिट क्यों नहीं करेंगे? कंफर्म नहीं है क्या? हाँ कि देखिए इस वक्त हमें कंफर्म नहीं है कि कौन कौन सा कस्टमर पे करेगा और कौन सा कस्टमर पे नहीं करेगा, तो किस कस्टमर का अकाउंट क्लोज करें, इस वक्त ये ठीक है, तो डाउटफुल है, कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह एक नया अकाउंट बनाएंगे और उसे हम नाम दे देते हैं अलाउंस फॉर रिसीवेबल का। या इसके लिए एक और नाम यूज होता है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। ये इसकी डबल एंट्री हो गई कि अकाउंट रिकवरेबल डेट्स डेबिट और अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा अभी एंट्री कॉपी कर लें। डेफिट दोबारा करवाता हूँ, हमने 2 क्वेश्चन किए थे, हमने 2 क्वेश्चन किए थे ना, अभी कंप्लीट पढ़ेंगे टॉपिक जी। तो हमने एक एस्टिमेट निकाला कि टोटल रिसीवेबल कितने हैं 450, उसमें से डाउटफुल कितने हैं, ये हमें डाउट है कि शायद ना मिले, तो ये एक्सपेक्टेड लॉस है हमारा ना, उसको हम फॉरन रिकॉर्ड कर लेंगे करेंगे। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, एंट्री क्या हो जाएगी आपकी रिकवरेबल डेट्स तो डेबिट हो गए, लॉस या एक्सपेंस आपका डेबिट हो गया। अच्छा अब हम यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि एक नया अकाउंट बनेगा और उसको नाम देंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का या डाउटफुल डेट्स का। ओके प्रोविजन का वर्ड भी देखिए, ये वाली जो एंट्री बनती है, ये जो कैलकुलेशन होगी ये सिर्फ ईयर एंड पर होगी, ईयर एंड पे एक एस्टिमेटेड अमाउंट निकलेगा और एस्टिमेटेड अमाउंट से एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी ईयर एंड पर। अच्छी जो हमने फर्स्ट वाली एंट्री बनाई थी ये कब बनेगी? ये जब भी हमें कंफर्म हो जाएगा और जब भी बैलेंस होंगे उस वक्त ये एंट्री बनती है, और ये वाली एंट्री आपकी सेकंड रिकवरी के टाइम पर बनेगी, और लास्ट वाली जो एंट्री है ये सिर्फ ईयर एंड पे बनती है एस्टिमेटेड अमाउंट। अच्छा तो अब इस टॉपिक में टोटल 3 एंट्रीज है। अच्छा अब इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस में 2 रिक्वायरमेंट्स होती है, अच्छा क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चंस में 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 2 चीजें हमें कैलकुलेट करना होती है, एक हमें ये बताना होता है कि जब ईयर एंड पर जाओ जाओ। अच्छा इसमें 2 रिक्वायरमेंट्स होंगी क्वेश्चन की, एक तो हमें ये बताना होता है, इसमें कैलकुलेट करना होगा कि जब ईयर एंड पर इनकम स्टेटमेंट बनेगा तो उसमें बैडेड एक्सपेंस का क्या अमाउंट चार्ज होगा, और सेकेंड हमें ये बताना होता है कि जब ईयर एंड पर बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें रिसीवेबल का क्या अमाउंट आएगा। दो चीजें फाइंड करनी है, बैडेड एक्सपेंस और
रिसीवेबल्स आपके। ठीक, अच्छा तो हैंड आउट मिल गया आपको, आप क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, अच्छा रीड कर लें। अच्छा रिसीवेबल्स कितने हैं? 45,000 टोटल रिसीवेबल्स हैं। अब कह रहे हैं इसमें इंक्लूडेड इन दिस टोटल एन अमाउंट ऑफ 790 ओन्ड बाय जेम्स स्कॉट हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट हो गया, और 1240 ड्यू फ्रॉम पीटर हु वाज टोटली डिसअपीयर्ड। अब एक कस्टमर है आपका जेम्स स्कॉट जो कि बैंकरप्ट हो गया, और दूसरा कस्टमर डिसअपीयर हो गया। ये तो हो गया हमारे दो बैड डेट्स, ये बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर ये कंप्लीट। तो छोटा सा क्वेश्चन है, ये फैन ऑफ कर दें, शोर कम लगा है, ऑफ कर दें। ओके, अब रिसीवेबल अकाउंट बनाते हैं। रिसीवेबल्स रिकॉर्ड कर लिए हमने 45,000 के, और इसके बाद एक अकाउंट बनेगा इरिकवरेबल डेट्स का। अच्छा अब इरिकवरेबल कितने हैं, बैड डेट्स कितने हैं हमारे? अच्छा ये कंफर्म है, डाउटफुल है, 790 और 1240 कंफर्म हो गया ना ये तो? अच्छा इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 790 प्लस 1240 2030 टोटल आ रहा है। तब टोटल से हम बैडेट्स रिकॉर्ड करेंगे, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? रिकवरेबल डेट्स डेबिट हो जाएंगे 2030, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2030। अच्छा ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया, अकाउंट क्लोज करेंगे। अब रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करते हैं, और ये इसका बैलेंस आ जाएगा 42,970। अब इसके बाद इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्लोज करेंगे। दावा, दावा। अच्छा अब इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्लोज करते हैं, ये समझ लें। अच्छा ये होता है, ये कैरी डाउन ड्रॉ डाउन होगा? ये कैरी डाउन ड्रॉ डाउन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये चीज यहाँ नोट कर लें, जैसा आपने जो F1 में हमने पढ़ा था, टी अकाउंट बनाए थे जब, उसमें हम क्या करते हैं, जब भी अकाउंट क्लोज कर रहे थे तो हर अकाउंट को क्लोज करते हुए कैरी डाउन ड्रॉ डाउन किया था हमने। ठीक है, वो थी हमारी प्रैक्टिस, वो थी हमारी प्रैक्टिस F1 में कि टी अकाउंट में पोस्टिंग किस तरह की जाती है, क्लोजिंग बैलेंसिंग किस तरह की जाती है। अच्छा अब मैं बताता हूँ कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब हम देखें ईयर एंड पर अकाउंट्स क्लोज करते हैं ईयर एंड पे, तो आपके एसेट लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट ये तो कैरी डाउन ड्रॉ डाउन होते हैं, बाकी बच गए आपके एक्सपेंस और इनकम अकाउंट, वो कैरी डाउन ड्रॉ डाउन नहीं होते। ठीक है, तो ये बैडेट हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, तो ये कैरी डाउन नहीं होगा, बल्कि इसी तरह इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे, और जो भी इसका बैलेंस आएगा वो हम इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज कर लेंगे। उसको वजह कैरी डाउन करने की, यहीं पे अकाउंट क्लोज करके जो भी इसका बैलेंस आएगा उसे हम इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज कर लेंगे, और ये अकाउंट यहीं पे क्लोज हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों, इसकी रीजन क्या है? ठीक है, जैसे कि बैलेट की बात करते हैं ना, अच्छा अगर हम इसे क्लोज करने के बजाय कैरी डाउन करके यहाँ January 1st पे ब्रॉड डाउन कर लें, इसका मतलब क्या होगा कि हमने करंट ईयर के एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिए। इसका मतलब कैरी डाउन ब्रॉड डाउन अगर इसको करते हैं, इसका मतलब ये होगा हमने इस साल के एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो जब करंट ईयर का इनकम स्टेटमेंट बनेगा तो उसमें बैलेट एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे? जीरो। इसी तरह अगर हम इनकम अकाउंट बना रहे हैं, जैसे सेल्स का अकाउंट बना रहे हैं, अब सेल्स अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं ईयर एंड पे, और क्लोज करते हुए हमने वही कैरी डाउन करके नेक्स्ट ईयर में उसको ब्रॉड डाउन कर दिया January 1st पे, तो उसका मतलब क्या होगा, हमने इस साल की सेल्स
अगले साल ट्रांसफर कर दी, तो जो करंट ईयर का इनकम स्टेटमेंट बनेगा उसमें सेल्स कितनी आएंगी? जीरो। तो इनकम भी जीरो हो गई, एक्सपेंस भी जीरो, तो प्रॉफिट लॉस भी जीरो। तो इस तरह आपका इनकम स्टेटमेंट जीरो हो जाएगा, बनेगा ये। इसलिए हम क्या करते हैं, जब ईयर एंड पर अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो इनकम अकाउंट्स और एक्सपेंस अकाउंट इन सबको क्लोज कर देते हैं, और जो भी बैलेंस आता है उसे हम इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर लेते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ये रीजन है। तो बाकी बचे देखिए एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल अकाउंट। अब इसको कैरी डाउन क्यों किया हमने, ब्रॉट डाउन क्यों किया? क्योंकि देखिए आज एक एसेट है तो कल भी होगा, आज रिसीवेबल है कल भी रिसीवेबल है, आज एक लाइबिलिटी है कल भी होगी, आज जो कैपिटल है आपका वो कल भी होगा। तो इसलिए एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कैरी डाउन ब्रॉट डाउन होंगे, इनकम और एक्सपेंस अकाउंट नहीं होंगे, उसी साल क्लोज कर। तो जब आप ईयर एंड पर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें बैकेट्स कितने चार्ज हो जाएंगे? 2030। और ईयर एंड पे बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें रिसीवेबल्स कितने रिकॉर्ड होंगे? 42,790। क्लियर? कॉपी कर लें, यहाँ ही क्वेश्चन बार हो गया कंप्लीट, छोटा सा क्वेश्चन था। फिलहाल कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं करना, मैं करवाऊंगा, कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, अच्छा क्वेश्चन नंबर टू में थ्री पैराग्राफ है। अच्छा ये थ्री पैराग्राफ थ्री इयर्स का डेटा है, 2001, 2002, 2003। तो इसे हम पैराग्राफ वाइज सॉल्व करेंगे, ईयर वाइज सॉल्व करेंगे। तो आप मेरा से फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लें, इसका फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लें। यहाँ रिसीवेबल्स हैं 10,000 के, और उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या बता रहे हैं, इसमें तो 3% कभी नहीं मिलते, डाउटफुल हो जाते हैं ना, बाकी पता नहीं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। रिसीवेबल्स है आपके 10,000 के, अच्छा 10,000 में से डाउटफुल कितने हैं? 3%। तो 10,000 का 3% कैलकुलेट करेंगे, ये 10,000 का 3% आएगा आपके पास 300, एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स आ गए। अच्छा 300 से एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री क्या होगी? जो थर्ड वाली एंट्री लिखवाई थी मैंने, रिकवरेबल डेट्स डेबिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट, ये 300 से एंट्री बन जाएगी हमारी, रिकवरेबल डेट्स डेबिट और अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट होगा। अच्छा अभी एंट्री पोस्ट करते हैं लेजर में, लेजर में पोस्ट करते हैं इसे। अब ये एक अकाउंट बनेगा रिकवरेबल डेट्स का और डेबिट हो जाएंगे, और थर्ड अकाउंट बनेगा अलाउंस फॉर रिसीवेबल का, और ये और ये क्लोज हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। इसके बाद अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करेंगे, और इसका बैलेंस कितना आएगा? 300, ये कैरी डाउन होके नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो रिसीवेबल और अलाउंस फॉर रिसीवेबल कैरी डाउन ब्रॉट डाउन होंगे, रिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्लोज हो जाएगा। रिसीवेबल के नेचर है एसेट,
अलाउंस फॉर रिसीवेबल के नेचर रहेगा, कॉन्ट्रा एसेट कहलाता है। अच्छा अभी कॉपी बात में कीजिएगा। अच्छा अब ये होता है कि जब आप ईयर एंड पर तो ऑफ कर दे छोड़ कर दे। अच्छा जब ईयर एंड पर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट में बैटेड एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे? 300 चार्ज करेंगे। अच्छा जब ईयर एंड पर बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स का क्या अमाउंट आएगा? 9,700 लिख लेते हैं। अच्छा ये इसके दो रिक्वायरमेंट होती है। तो ईयर एंड पर इनकम स्टेटमेंट बनेगा तो उसमें रिकवरेबल डेट्स चार्ज होंगे 300, और जब ईयर एंड पर बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल 10,000, रिसीवेबल 10,000। अब इसमें से डाउटफुल कितने हैं? 300 माइनस हो जाएंगे, बचेंगे कितने? 9,700, और ये क्या लाएंगे आपके नेट रिसीवेबल। अच्छा तो यही दो रिक्वायरमेंट्स होती है क्वेश्चन की। आपको ये बताना होता है कि इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे और बैलेंस शीट में नेट रिसीवेबल्स कितने रिकॉर्ड होंगे। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसको बैक कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी कर लें आराम से। कॉपी करें। अच्छा देखें ये इधर आ जाए 2002 पे। अच्छा देखिए क्वेश्चन जो है कंटिन्यूएशन में चल रहा है 2001, 2002, 2003। अब इसमें क्या होगा, जो 2001 के क्लोजिंग बैलेंस थे वो 2003 के ओपनिंग बैलेंस होंगे। अच्छा 2001 में रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 10,000, और वो 2002 का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ओपनिंग बैलेंस आ गया रिसीवेबल का 10,000, और अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस क्या था? 300, वो इसका इस साल ओपनिंग बैलेंस बन जाए। अच्छा तो ये लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब करंट ईयर की ट्रांजेक्शंस पोस्ट करेंगे। अच्छा फर्स्ट ट्रांजेक्शन के क्रेडिट सेल्स हो रही है 1,00,000 की, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 1,00,000 से। के बाद कलेक्शन हमने कितनी की? 94,000 कलेक्शन हो गई, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 94,000 से। अच्छा इसके बाद हम भी कह रहे हैं कि आपने 3% डाउटफुल डेट्स है हमारे में, तो हम पहले इसको अकाउंट रिसीवेबल क्लोज करते हैं। टोटल आ गया 110 में से 94 माइनस करते हैं, तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 16,000। अच्छा 16,000 में से डाउटफुल कितने? 3%। अब 16,000 का 3% कैलकुलेट करेंगे, 16,000 का 3% आएगा 480। अब जो इसकी एंट्री बनाई थी अभी हमने, बैड डेट्स, इररिकवरेबल डेट्स, डेबिट और अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट, अब वो एंट्री जो है 480 से नहीं बनेगी। अब 480 से एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। अब क्यों नहीं बनेगी 480 से? पहले तो हमने 300 से बना ली थी। अच्छा वो 300 से इसलिए बनाई थी कि वो बिजनेस का पहला साल था, फर्स्ट ईयर था, ये बिजनेस का सेकंड ईयर है। अब सेकंड ईयर में आप 480 से एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। अच्छा क्यों नहीं होगी, रीजन क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 16,000, ये 16,000 क्यों आ रहे हैं? तो यहाँ पे रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 10,000, और 10,000 पे हम लास्ट ईयर 3% बैडेट चार्ज कर चुके हैं। तो इसलिए अगर पूरे 16,000 पे 3% चार्ज करेंगे तो वो 10,000 डबल चार्ज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 16,000 में से वो 10,000 माइनस करते हैं, बैलेंस रिसीवेबल कितने रह गए? 6,000। अब 6,000 का 3% कैलकुलेट करें, 180 आएगा। अब जो हम बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे वो 180 से रिकॉर्ड हो। अच्छा ये 180 कैलकुलेट करने का एक तरीका और है, और वही हम यूज करेंगे। देखिए अभी मैंने क्या बताया कि 16,000 में से रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 10,000 माइनस करें, 6,000 आ गए, 6,000 का 3% कैलकुलेट कर लें, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब समझाने के लिए एक्चुअल कैलकुलेशन क्या होगी, तो 16,000 का लेंगे 3%
वो कितना था 480। अब उसके बाद देखिए जो अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 300, ये स्टैंड डाउन का 3% ही है ना, इसका 3% ही है। अब अगर हम ये करें कि इसका 16,000 का 3% निकालें और उसमें से ये 10,000 का 3% 300 माइनस कर दें तो भी 180 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन हम ये वाली यूज करेंगे, जो भी आपके रिसीवेबल्स आ रहे हैं, जो भी रिसीवेबल्स आ रहे हैं इस पे आप एक परसेंटेज अप्लाई कर देंगे, 3% निकाल लेते हैं, 3% आ गया। अब इसमें से हम अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 300 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 180। और अब हम 180 से क्रेडिट्स रिकॉर्ड करेंगे। अब इसकी एंट्री क्या होगी, रिकवरेबल डेट्स डेबिट 180, अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट 180। अच्छा यहाँ मैंने एक टर्म यूज किया है इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल। अच्छा ये इंक्रीज क्यों डिक्रीज क्यों नहीं, देखिए अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस था 300, लास्ट ईयर एस्टीमेट हमारा 300 था, इस ईयर का एस्टीमेट कितना है, तो 180 का इंक्रीज आ रहा है ना, अब 180 से मजीद बैटेड एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, इसलिए यहाँ एक टर्म यूज होगी इंक्रीज है अलाउंस। अच्छा अभी एंट्री पोस्ट करते हैं लेजर में, अभी एंट्री पोस्ट करेंगे लेजर में तो एंट्री यूज होगी आपके पास इररिकवरेबल डेट्स डेबिट हो जाएंगे 180 से और अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट होगा 180। अब अकाउंट क्लोज करते हैं, अभी अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट क्लोज हो जाएगा तो इसका कैरी डाउन आएगा 480 और इसके बाद ये इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्लोज करेंगे और ये क्लोज हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट। अच्छा अगर ईयर एंड पर इनकम स्टेटमेंट बनेगा तो उसमें बैलेंस कितने चार्ज होंगे 180 और जब ईयर एंड पर बैलेंस शीट बनाएंगे तो रिसीवेबल्स कितने रिकॉर्ड होंगे 16,000 और इसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल 480, दोनों के क्लोजिंग बैलेंस आएंगे। कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन होगी, इनकम स्टेटमेंट में बैडेट चार्ज हो जाएंगे 180 और बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स रिकॉर्ड होंगे 16,000 से और आप इसमें से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस 480 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे नेट रिसीवेबल्स 15,520। यही दो रिक्वायरमेंट्स होती है क्वेश्चन की, बैडेट एक्सपेंस और नेट रिसीवेबल्स कैलकुलेट कर। क्लियर तो प्रॉब्लम अब मैं कर देता हूँ, इसको कॉपी करने आराम से ठीक है, कॉपी करें।